दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की किसान सम्मान रैली, रैली में राहुल, सोनिया और मनमोहन सिंह मौजूद। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा ये मेक इन इंडिया नहीं टेक इन इंडिया है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी की सरकार को बताया सूट बूट वालों की सरकार, कहा गरीबों की नहीं सूट बूट वालों की सुनती है सरकार। राहुल गांधी ने कहा मोदी सरकार गरीब से उसकी धरती मां को छीनना चाहती है, कांग्रेस किसानों के लिए हर मोर्चे पर लड़ेगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा गरीब किसानों के लिए कांग्रेस कोई भी बलिदान देने को तैयार। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा देश के लोग परेशान हैं लेकिन मोदी जी को भाषण से फुर्सत नहीं। किसान सम्मान रैली में दिखी गुटबाजी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अशोक तंवर समर्थकों में हल्की झड़प। भूपेंद्र सिंह हुड्डा समर्थक गुलाबी पगड़ी पहनकर आए, अशोक तंवर के समर्थक लाल पगड़ी में नजर आए। इस दौरान समर्थकों ने जमकर की नारेबाजी। अशोक तंवर के मंच पर भाषण देने के दौरान हुड्डा समर्थकों ने की हुकूमत। रैली में बड़ी संख्या में जुटे हरियाणा, पंजाब, यूपी और राजस्थान के किसान। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने साधा राहुल पर निशाना, कहा हमारी सरकार न तो सूट बूट की और न ही सूट केस की। राहुल गांधी की संसदीय क्षेत्र अमेठी के एक दिन के दौरे पर पहुंची केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी। स्मृति ने राहुल गांधी को दी चुनौती, कहा चुप रहने के लिए नोटिस भेजकर कांग्रेस ने दिया मौका, अब करूंगी दूध का दूध और पानी का पानी, हिम्मत है तो मुझे जेल भिजवाएं। कांग्रेस ने कहा किसी को भी झूठे आरोप लगाने का हक नहीं। बिहार में एनडीए में सीटों को लेकर फिर उलझी सियासत, जीतन राम मांझी ने बीजेपी से मांगी तीन और सीटें। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मांझी ने कहा तीन और सीटें मिलने से बनेगा बैलेंस, मांझी की 20 सीटों में से कुछ को लेकर है गतिरोध, 7 सीटों पर उम्मीदवारों का नाम घोषित किया। बिहार में बीजेपी उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी, 99 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान, 14 मौजूदा विधायकों को टिकट नहीं। जेडीयू से बीजेपी में जाने वाले सतीश कुमार को भी बीजेपी ने दिया राघोपुर से टिकट, पटना एयरपोर्ट पहुंचने पर हुआ भव्य स्वागत। विवेक ठाकुर ब्रह्मपुर से लड़ेंगे चुनाव। बिहार में महागठबंधन दलों के बीच सभी 243 सीटों पर समझौता, जेडीयू 101, आरजेडी 101 और कांग्रेस 41 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। सीटों पर सहमति के बाद महागठबंधन के नेताओं ने कहा महागठबंधन के उम्मीदवारों का बाद में होगा ऐलान। बिहार में मुलायम के मार्गदर्शन में 6 पार्टियों ने बनाया समाजवादी सेक्युलर फ्रंट, सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान। समाजवादी पार्टी 85 और पप्पू यादव की पार्टी 64 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। एनसीपी 40 सीटों पर उतारेगी अपने उम्मीदवार, नागमणि की पार्टी 28, एसजेपी 23 और संगमा की पार्टी एनपीपी 3 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। 6 पार्टियों ने मिलकर बनाया तीसरा मोर्चा, बिहार में एनसीपी नेता तारिक अनवर करेंगे मोर्चे की अगुवाई। बिहार के दरभंगा में एक भी विधानसभा सीट पर कांग्रेस को उम्मीदवारी न मिलने से नाराज पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। बिहार में शिवसेना 150 सीटों पर उतारेगी उम्मीदवार, पार्टी नेता संजय राउत ने कहा बीजेपी से हमारा कोई संबंध नहीं। एलजेपी मुखिया रामविलास पासवान के दामाद अनिल पासवान के बागी सुर, एलजेपी में पैसे लेकर टिकट बांटने का आरोप लगाया। अनिल पासवान ने रामविलास पासवान को दी खुली धमकी, अगर 2 दिन में टिकट नहीं मिला तो नीतीश लालू से जाकर हाथ मिला लेंगे। अनिल पासवान ने चिराग को बताया फ्लॉप फिल्मों का हीरो, कहा दलित सेना टिकट खरीदकर फिल्म ना देखती तो तार तार होती इज्जत, बोले अगर मेरी बात नहीं सुनी गई तो एनडीए को हराने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। यूपी में मिशन 2017 के लिए जुटे राहुल गांधी, कल 11:30 मथुरा में कांग्रेस प्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं के सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। बैडमिंटन स्टार ज्वाला गुट्टा और क्रिकेटर प्रज्ञान ओझा ने उठाया किसानों की खुदकुशी का मुद्दा, तेलंगाना जागृति संस्था से जुड़े। ज्वाला गुट्टा ने किसानों को बताया देश की रीढ़ की हड्डी, बोले हम सबको देना होगा मुश्किल दौर में उनका साथ। प्रज्ञान ने कहा किसान परिवार से हूँ, जानता हूँ उनका दर्द। तेलंगाना सरकार ने खुदकुशी करने वाले किसानों के परिजनों को बड़े मुआवजे का ऐलान किया, 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 6 लाख रुपए किया मुआवजा।
मनीष सिसोदिया ने प्याज खरीद पर दी सफाई, कहा केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार से खरीदी प्याज, कहा 33 रुपए में खरीदा था प्याज, जनता को सस्ते दामों में बेचा। दिल्ली में डेंगू को लेकर एमसीडी ने चलाई मुहिम, सीएम केजरीवाल के पड़ोस के घर में के पास मिला डेंगू के मच्छर का लार्वा। दिल्ली में डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए नॉर्थ एमसीडी ने फॉगिंग के लिए स्पेशल ड्राइव शुरू की, 104 वार्ड में है फॉगिंग, सुरक्षा कारणों से एमसीडी कर्मियों को सीएम के घर में जांच के लिए जाने से रोका गया। दिल्ली में शनिवार को डेंगू से एक और मौत, डेंगू की चपेट में आकर अब तक 21 लोगों की मौत, लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में इलाज के दौरान 27 साल की महिला ने तोड़ा दम। डेंगू को लेकर दिल्ली सरकार की सामने आई लापरवाही, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली सरकार ने इस साल डेंगू के लिए नहीं खरीदी एनएसआई किट। डेंगू को लेकर दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन ने हाईकोर्ट में दी अर्जी, दिल्ली सरकार और एमसीडी को निर्देश देने की मांग। डेंगू को लेकर दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन ने हाईकोर्ट में दी अर्जी, दिल्ली सरकार और एमसीडी को निर्देश देने की मांग। दिल्ली के पास गाजियाबाद में डेंगू ने 10 साल की बच्ची को बनाया शिकार, परिजनों ने अस्पताल पर लगाया लापरवाही का आरोप। झारखंड में भी बढ़ रही है डेंगू के मरीजों की तादाद, पूरे राज्य में अब तक 44 मामले सामने आए। राजस्थान सरकार ने डेंगू को देखते हुए डॉक्टर्स की छुट्टियां रद्द की, डेंगू के मरीजों की मदद के लिए तैयार रहने को कहा। यूपी के ग्रेटर नोएडा में सरकारी स्कूल में बच्चे शायद भगवान भरोसे ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहां पढ़ाने वाले टीचर्स को देश के राष्ट्रपति और प्रदेश के राज्यपाल तक का नाम नहीं पता। कई स्कूलों के टीचर तो चंडीगढ़ को चेन्नई की राजधानी बता रहे हैं, तो कुछ 90 की स्पेलिंग ही नहीं बता पाए। हरिद्वार के एक सरकारी स्कूल में सातवीं की छात्रा के पेरेंट्स से नाराजगी का बदला प्रिंसिपल ने छात्रा से लिया, नाम काटकर कैरेक्टर सर्टिफिकेट पर लिख दिया चरित्रहीन। मामला मीडिया में आने के बाद छुट्टी पर गई प्रिंसिपल, अधिकारियों ने दिया जांच का भरोसा। झारखंड के सरकारी स्कूलों को सरकार का फरमान, शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी कर कहा 10 दिन के अंदर जिन स्कूलों में शौचालय नहीं वहां के टीचर्स को नहीं मिलेगा वेतन। मैट्रिमोनियल साइट्स पर फर्जी बायोडेटा देकर 100 लड़कियों को ठगने वाले युवक को फरीदाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया ठग पेशे से इंजीनियर था और माइक्रोसॉफ्ट में काम करने की बात कहकर लोगों को ठगता था। मध्य प्रदेश के कटनी में दिखी लापरवाही के इंतहा, सड़क पर बेहोश होकर गिरे एक युवक के ऊपर सड़क निर्माण कंपनी ने बना दी सड़क। सुबह युवक का हाथ और चेहरे का कुछ हिस्सा नजर आने के बाद खुला मामला, हादसे में युवक की मौत। झारखंड के खूंटी में सीआरपीएफ की गाड़ी पलटी, हादसे में 8 लोग घायल। दरभंगा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपने ही दफ्तर में की तोड़फोड़, दरभंगा से एक भी सीट कांग्रेस को न मिलने से है खफा। 1965 युद्ध में फतेह की मनाई गई गोल्डन जुबली सेरेमनी, दिल्ली में जमकर मना जश्न, जवानों ने दिखाए तरह तरह के करतब। वायुसेना ने भी गोल्डन जुबली समारोह में दिखाया पराक्रम, फाइटर प्लेन के साथ हेलीकॉप्टर ने भी भरी उड़ान। देहरादून के प्रेमनगर इलाके में सरकारी अस्पताल से चोरी हुआ बच्चा, मां की गोद से बच्चा लेकर गई महिला नहीं लौटी वापस, पुलिस ने जारी किया आरोपी का स्केच। दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर के पास साइकिल सवार दंपत्ति को अज्ञात वाहन ने कुचला, पति की हुई मौत, पत्नी लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में। दिल्ली में फिर दिखा रफ्तार का कहर, बीती रात अक्षरधाम के पास कार और ट्रक में भिड़ंत, हादसे में 6 लोग घायल। चश्मदीदों के मुताबिक होंडा सिटी कार ने सड़क पर खड़े ट्रक को मारी टक्कर, हादसे में कार में सवार 2 लड़कियां भी घायल। दिल्ली के द्वारका में रोडरेज का मामला सामने आया, मामूली टक्कर पर बाइक सवारों ने कार चालक की पिटाई, बाइक सवारों ने मौके पर पहुंची पीसीआर को बनाया निशाना, पीसीआर वैन के तोड़े शीशे, एक पुलिसकर्मी भी घायल। दिल्ली के पास गुड़गांव में 25 साल की युवती ने फ्लाईओवर से लगाई छलांग, अस्पताल में भर्ती युवती की हालत नाजुक। शीनापोरा मर्डर केस में आया नया ट्विस्ट, मुंबई के जेजे अस्पताल से खार पुलिस स्टेशन को सौंपे गए बॉडी सैंपल, शीना के नहीं, नायर अस्पताल के टेस्ट सैंपल भी शीनापोरा के नहीं पाए गए। शीना मर्डर केस के आरोपी संजीव खन्ना को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने खारिज की जमानत अर्जी। नारायण साईं के खिलाफ पत्नी जानकी ने दर्ज कराई शिकायत, पति नारायण साईं पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। कश्मीर के सोपोर में आतंकियों ने की 3 साल के एक मासूम की हत्या, बुरहान नाम के बच्चे का पिता बशीर आतंकी संगठन छोड़कर कर रहा था कारोबार, इसी बात से नाराज थे आतंकी।
असम के चिरांग के पास पकड़ा गया आतंकी सईद के पास से पुलिस और सीआरपीएफ ने हथियार बरामद किए। यूपी के लखनऊ के जीपीओ के सामने टाइपराइटर पर काम करने वाले एक बुजुर्ग से पुलिस वाले ने की बदसलूकी। सोशल मीडिया पर वायरल हुई बदसलूकी की तस्वीरें। मामले के मीडिया पर आने के बाद सूबे के मुखिया अखिलेश यादव के निर्देश पर आरोपी पुलिसकर्मी को किया गया सस्पेंड। यूपी के मुजफ्फरनगर में मुस्लिम समाज की एक बड़ी पंचायत ने बालिग लड़कियों के मोबाइल फोन रखने और जींस टॉप पहनने पर लगाया प्रतिबंध। पंचायत का फरमान न मानने वालों को बिरादरी से बाहर करने की भी धमकी। यूपी सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री शिवपाल यादव का बयान, रिश्वत लेने वालों को भेजेंगे जेल, रिश्वत देने वालों पर भी होगी कड़ी कार्रवाई। बैंगलोर में वर्ल्ड पीस डे के मौके पर किया गया मैराथन का आयोजन, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में जोनांग को बौद्ध धर्म का छठा संप्रदाय घोषित किए जाने की मांग को लेकर धरने पर बैठे भिक्षु। तिब्बत की निर्वासित सरकार से मांग को लेकर 15 सितंबर से ही धरना दे रहे हैं बौद्ध भिक्षु। ओडिशा के मलकानगिरी में पुलिस मुठभेड़ में 5 माओवादियों की मौत। पंजाब के लुधियाना में मौसम ने आज सुबह अचानक ली करवट, तेज बारिश ने दिलाई लोगों को भीषण गर्मी से निजात। रांची में एक कार्यक्रम में पुलिस वालों ने जमकर किया डांस, वर्दी में पुलिस वालों को नाचते देख हर कोई था हैरान। यूपी में मऊ में स्कूल इंस्पेक्टर ऑफिस में बार बालाओं ने लगाए ठुमके, विश्वकर्मा पूजा पर किया गया था आयोजन। आगरा में ताज नेचर वॉक में अखिलेश ने लॉन्च किया दिल्ली डायनामोस की जर्सी, समारोह में सीएम अखिलेश के साथ ब्राजील के फुटबॉलर रॉबर्टो कार्लोस भी मौजूद। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पूरे राज्य में फुटबॉल को बढ़ावा देने की बात कही, अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धा में गोल्ड मेडल लाने पर खिलाड़ियों को मिलेंगे 6 करोड़ रुपए। बिग बी ने मुंबई में लालबाग के राजा के दर पर जाकर बप्पा का लिया आशीर्वाद, साथ में बहू ऐश्वर्या राय बच्चन भी रही मौजूद। यूपी के ललितपुर में एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने बिजली परियोजना का किया शिलान्यास। लाल किले के मैदान में लव कुश रामलीला के लिए किया गया भूमि पूजन, इस मौके पर रंगारंग कार्यक्रम का भी हुआ आयोजन। साउथ अफ्रीका के साथ सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, T20 और वनडे दोनों के लिए धोनी के हाथ में रहेगी कमान। बैंगलोर में हुई बीसीसीआई चयन समिति की बैठक, गुरकीरत मान को वनडे टीम में दिया गया मौका। T20 के लिए एस अरविंद को दिया गया टीम इंडिया की तरफ से मौका। कर्फ्यू और विरोध के बीच आज जारी होगा नेपाल का नया संविधान, 8 साल के लंबे इंतजार के बाद जारी हो रहा है संविधान। टर्की में फंसे शरणार्थियों की मुसीबत जारी, करीब 1000 शरणार्थियों को अब तक जर्मनी जाने की नहीं मिली इजाजत। वेनेजुएला में राजनीतिक बंदियों को छोड़ने की मांग को लेकर सड़कों पर प्रदर्शन, राजनीतिक बंदियों की रिहाई की मांग। जर्मनी के म्यूनिख में इंटरनेशनल बियर फेस्टिवल का आगाज, फेस्टिवल में करीब 60 लाख लोगों के पहुंचने की उम्मीद। चीन में अनोखी दौड़ का आयोजन, रेस में प्रतियोगियों को बीजिंग में बने 82 मंजिला इमारत में 2100 सीढ़ियां चढ़नी थी।